राजधानी जयपुर में गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया के तहत जूट उद्योग को प्रमोट करने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। ऐसे में सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर स्थित व्यापार मंडल ने गांधी जयंती पर एक संकल्प लिया है। अब शॉप पर केवल जूट का बैग ही उपयोग किया जाएगा और सभी ग्राहकों को जूट का बैग साथ रखने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इधर व्यापारी सौरभ परशुराम पुरिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ मिशन कार्यक्रम चलाया, जिसको देखते हुए जयपुर के व्यापारी मंडल के द्वारा पॉलिथीन की जगह जूट के बैग का प्रयोग किया जाएगा। एक सौ तिरपन गांधी जयंती पे मेरा इच्छा थी कि जो ये 75वां जो इंडिपेंडेंस डे जो आज़ादी का स्वर्ण जो गया है उसके अंदर था कि हमें कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मोदी जी ने भी हमें ये बताया था कि हमें स्वच्छ भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना जो उन्होंने देखा है तो उसको साकार करने के लिए हमें जूट इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस बार ये संकल्प लिया है और ये लिया है कि आज के बाद जो भी हम पैकिंग और जो भी करेंगे वो रिन्यूएबल सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो कहा जाता है उसके अंदर हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश का उत्थान हुए। तो उसके लिए हमने सोचा कि जो भी बैग्स जो हम बाहर से लेते थे इंपोर्ट करते थे वो ना करके देश के ही जूट हो उसको प्रमोट किया जाए। तो यही सपना हमने इसको साकार करने का सोचा है और ये हमने सोचा कि इस साल 2 अक्टूबर और 75वां जो इंडिपेंडेंस डे पर मना रहे आज़ादी का स्वर्ण उससे बढ़िया कुछ ये नहीं हो सकता था। इसलिए हमने इस चीज़ को क्योंकि हरदम गांधी जी का जूट पर और उस पर बहुत फोकस रहा है तो हमने ये दिन बहुत सोच समझ से चूज़ किया गया है।